हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। सो लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने बात की थी किसके बारे में, अपन ने पढ़ा था ईसोफेगस के बारे में। किसके बारे में? ईसोफेगस के बारे में बात करी, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, वो उसके अंदर कौन सी मसल्स पाई जाती हैं, कैसे बोलस आगे बढ़ता है, क्या होगा कि अगर बोलस अगर नहीं आगे बढ़ जाए, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उसका रीजन क्या है, ये सब अपन ने क्या है देखा था। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है वो ये है कि अगर अपना जो ईसोफेगस अपन देखते हैं तो ईसोफेगस के अंदर डाइजेशन होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहली बात है कि डाइजेशन इसके अंदर नहीं होता है। लेकिन अगर अपन आप लोगों से ये पूछें कि इसके अंदर डाइजेशन होते होने के लिए, मतलब अगर डाइजेशन की प्रोसेस चालू रहती है क्या, मतलब अगर अपन जो फूड खाते हैं वो जो चीज इसके अंदर से होके गुजरी उसमें डाइजेशन की प्रोसेस चालू रहती है क्या, तो उसका आंसर क्या होगा आप लोग नहीं देंगे। एक्चुअली इसका आंसर हाँ होगा, यस होगा। रीजन क्या है देखिए, क्योंकि अपनी बक्कल कैविटी के अंदर क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, और वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या है, पहले ही फूड के साथ क्या हो चुके हैं, मिक्स हो चुके हैं, और वो अपना काम क्या कर रहे हैं, चालू कर चुके हैं। ये तो केवल एक पाथवे है, तो पाथवे के अंदर से अगर पहले से ही एंजाइम्स प्रेजेंट हैं तो उसके डाइजेशन होने में क्या दिक्कत हो सकती है, तो उसका डाइजेशन इजीली हो सकता है। तो आंसर ये होगा कि उसके अंदर डाइजेशन क्या हो सकता है, हो सकता है। क्लियर, ये अपन ने बात है कर ली ईसोफेगस के बारे में। तो आज अपने पास में जो नया अगला जो नेक्स्ट अपने पास में जो आएगा ऑर्गेनल आएगा, ऑर्गन आएगा इसके अंदर, वो कौन सा आएगा, वो आएगा स्टमक। कौन सा आएगा? स्टमक। तो स्टमक की अगर अपन आज बात करें तो स्टमक के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, स्टमक के कितने पार्ट होते हैं, साथ ही साथ अगर अपन देखें कि उनके फंक्शन क्या होते हैं, उनके अंदर सेल्स कौन सी होती है, उनकी जो लाइनिंग है, उनकी हिस्टोलॉजी के बारे में अपन बात करेंगे कि उनकी जो लाइनिंग है वो किसकी बनी हुई है, जैसे सिरोसा, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, ठीक है, ये सारे अपन क्या है आज अपन बातें करेंगे इसके अंदर। तो आप लोगों को बता देते हैं कि अगर अपन स्टमक की अगर अपन बात कर रहे हैं तो स्टमक के अंदर कितने पार्ट पाए जाते हैं, स्टमक के अंदर जो पार्ट पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं अपने चार पार्ट। कौन कौन से? पहला फंडिक, दूसरा कार्डिक, तीसरा जो इसका मेन पार्ट है दैट इज मेन बॉडी, और फोर्थ जो है पाइलोरिक। पाइलोरिक पार्ट इंटेस्टाइन के पास में होता है, कार्डिक पार्ट नियर टू द हार्ट होता है। तो इन सभी के बारे में हम बात करेंगे, साथ ही साथ देखेंगे कि आज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में डायग्राम में देखेंगे कि कहां पर कौन सी गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट है होती है, उनके अंदर कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए नेक्स्ट अपने पास में स्टमक की अगर अपन बात करें तो स्टमक का हो गया कि स्टमक के अंदर आपको बताया था कि स्टमक के फोर पार्ट्स होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं, फोर पार्ट्स होते हैं। देखिए सबसे पहले अगर अपन बात करें लोकेशन के बारे में तो अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, आपकी जो एब्डोमिनल कैविटी का उसका ऊपर का लेफ्ट पोर्शन, मतलब ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे आपका क्या होता है, स्टमक प्रेजेंटेड होता है। क्लियर है? नेक्स्ट है कि फोर पार्ट कौन से। देखिए वैसे देखे जाए तो इसके मेन पार्ट्स अगर अपन देखें तो वो मेन पार्ट कितने हैं, थ्री हैं। कौन कौन से हैं? कार्डिक, फंडिक और पाइलोरिक। लेकिन बीच में इसका जो मिड पार्ट होता है जो कि इसकी बॉडी कहलाता है वो इसके अंदर काउंट होता है, तो अपन इसको क्या बोलते हैं, इसके फोर पार्ट्स के अंदर इसको काउंट करते हैं। कुछ बुक्स थ्री पार्ट लिखती है, कुछ फोर पार्ट लिखती है, तो इसमें कोई खास बात नहीं है। एक्चुअल के अंदर फोर पार्ट होते हैं, बीच में जो आता है वो दैट इज बॉडी एंड थ्री मेन पार्ट्स इज कार्डिक, फंडिक एंड पाइलोरिक। सो नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक। स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें स्टमक की, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक की अगर अपन बात करें तो ये आपका क्या आ गया, ईसोफेगस आ गया। ये क्या आ गया आपका? ईसोफेगस। अब ईसोफेगस की बात करें अपन तो ईसोफेगस के नीचे लोअर ईसोफेगस स्फिंक्टर मसल्स आएंगी, यहां से आपका स्टमक चालू हो गया। तो इस वाले पार्ट की अगर मैं बात करूं, ये वाला जो पार्ट आपका है दैट इज आपका फंडिक पार्ट, यहां तक जो आपका पार्ट है ये वाला, ये आपका कौन सा पार्ट हो गया, कार्डिक पार्ट हो गया। थर्ड इज कौन सा पार्ट हो गया, दैट इज बॉडी। यहां तक की अगर अपन बात करें तो ये बॉडी हो जाएगी। इसके बाद में ये जो लास्ट पार्ट जो आपका किसमें खुल रहा है, डियोडेनम के अंदर खुल रहा है, ये आपका जो पार्ट है ये हो गया आपका पाइलोरिक। तो फंडिक ये वाला, कार्डिक ये, थर्ड इज बॉडी एंड फोर्थ इज पाइलोरिक। यहाँ पे दो चीज लिखी हुई है, देखिए यहाँ पर पाइलोरिक स्फिंक्टर प्रेजेंट होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि जैसे ही यहां से फूड आगे करके पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करके, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो गया कि आगे रोटेशन, रोटेट होते हुए, ठीक है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स को बोलते हैं, जब फूड आगे रोटेट होता हुआ अगले चैम्बर के अंदर या अगले पार्ट के अंदर चला जाता है, तो वो मूवमेंट जो इस तरीके से घूमती है दैट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट।
तो पेरिस्टलेटिक मूवमेंट अभी हो गई है। अब अपन किसकी बात कर रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर की। ये पाइलोरिक स्फिंक्टर क्या होता है, यहाँ पर लगा हुआ होगा पाइलोरिक लास्ट पार्ट में। इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि जो भी फूड यहाँ पर प्रेजेंट है ये अगले वाले ड्यूओडेनम पार्ट के अंदर क्या होगा, पहुंचे जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर अपने पास में दो चीजें हैं। फर्स्ट इज ग्रेटर कर्वेचर। देखिए ग्रेटर कर्वेचर का मतलब हो गया कि जब ये स्टमक की यहां से अपन बात कर रहे हैं तो ये वाला स्टमक इस तरह से मुड़ा हुआ है, दैट इज ग्रेटर, बाहर की साइड उभरा हुआ है तो ग्रेटर कर्वेचर है, जबकि ये वाली साइड अंदर की ओर दबी हुई है, दैट इज लेसर कर्वेचर। अंदर की ओर दबी हुई है इसलिए इसको अपन क्या बोल रहे हैं, लेसर कर्वेचर, जबकि ये बाहर की ओर निकला हुआ है, ये कहलाएगा आपका ग्रेटर कर्वेचर कहलाएगा। ठीक है। अब ये तो बात हो गई स्टमक के मेन पार्ट के बारे में कि स्टमक कैसा होता है, क्या होता है। अब बात करते हैं कि स्टमक के अगर अपन बात करें तो स्टमक के अंदर होगा क्या, स्टमक की लाइनिंग होगी। ठीक है। तो स्टमक की लाइनिंग के अंदर कौन कौन सी लेयर प्रेजेंट होती हैं उसकी बात करेंगे। इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द हिस्टोलॉजी ऑफ स्टमक। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द हिस्टोलॉजी ऑफ स्टमक, वी सी द फॉलोइंग बेसिक लेयर्स ऑफ स्टमक। फर्स्ट इज म्यूकोसा, सेकंड इज सब म्यूकोसा, थर्ड इज मस्कुलरिस, देयर इज फोर्थ इज सीरोसा। वी हैव दीस फोर लेयर ऑफ इन स्टमक वॉल। सो अगर अपन बात करें किसके बारे में, ये सारी बात तो हो गई, अब अपन देख रहे हैं किसके बारे में, सीरोसा के बारे में। ठीक है। इधर से देखिए म्यूकोसा, तो इसको ऐसे समझिए कि आपके पास में ये स्टमक है, इस स्टमक की मैं ये वाली लेयर अगर काट रहा हूं यहां से, तो यहां से आपको देखना है कि मेरे को फोर लेयर बना ली, 1, 2, 3, 4। ठीक है। चार लेयर अपन ने बना ली, इसके अंदर भी और भी लेयर होंगी लेकिन इसको समझने के लिए अपन ने क्या है, चार लेयर बना ली। ये फोर लेयर कौन सी है, देखिए याद रखना है आपको कि सबसे अंदर मतलब एलिमेंट्री कैनाल के अंदर से जाएंगे, मतलब कोई चीज जो फूड है अपना वो अंदर जा रहा है, अंदर जाने के बाद में जो फर्स्ट लेयर के जिसके वो संपर्क में आएगा, दैट इज म्यूकोसा। ये कौन सी रहेगी आपकी, म्यूकोसा रहेगी। अब ये किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है फूड की, कौन से फूड की, जो फूड अंदर जा रहा है खाने के बाद में। ठीक है। सेकंड की अगर अपन बात करें, डेट इज सब म्यूकोसा, म्यूकोसा मतलब अंदर से सेकंड, अंदर से सेकंड मतलब म्यूकोसा, देन आफ्टर सब म्यूकोसा, देन आफ्टर मस्कुलरिस एंड लास्ट इज सीरोसा। लास्ट का मतलब हो गया सीरोसा, सीरोसा मतलब आपकी आ गई सबसे बाहर वाली लेयर। अगर मैं बाहर से अंदर की बात करूं, मतलब इस वाले एरिया से बाहर से अंदर की ओर जाऊं, तो सबसे आउटर लेयर कौन सी हो गई आपकी, दैट इज सीरोसा। तो मतलब इस चमक की अगर अपन सबसे बाहर की लेयर बात करेंगे, दैट इज सीरोसा, और सबसे इंटरनल लेयर जो आपकी है वो है कौन सी, म्यूकोसा। इट मींस अगर अपन ये देखें कि कोई सर्जन है, कोई सर्जन है, सर्जन को अगर एक सर्जरी परफॉर्म करनी है तो वो सबसे पहले कौन सी लेयर को कट करेगा, कौन सी लेयर को कट करेगा भैया, तो ये करेगा या ये करेगा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको, क्योंकि हमने आपको बताया कि ये वाली सबसे अंदर पाई जाती है। इट मीन सबसे पहले ये नहीं कटेगी, सबसे बाहर वाली लेयर, सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी आपकी, सीरोसा, डेट सीरोसा। तो सबसे पहले सर्जन सर्जरी परफॉर्म करते वक्त सीरोसा लेयर को कट करेगा, देन आफ्टर मस्कुलरिस, देन सब म्यूकोसा एंड लास्ट इज म्यूकोसा। तो ये चारों लेयर मतलब अगर इसकी अपन इसकी बात करें किसकी, ये सबसे बाहर की लेयर हो गई फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। और अंदर से बात करें, जहां फूड संपर्क में आता है अंदर खाने के बाद में, फूड जिस लेयर के सबसे पहले टच में आएगा, दैट इज म्यूकोसा। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फोर्थ तो यहां पर आएगा नहीं, फूड तो संपर्क में केवल इसके रहेगा, क्योंकि फूड के पास में क्या रहेगा, म्यूकस रहेगा, ये बाकी वाली लेयर अलग हो जाएगी। ठीक है। ये बात हो गई म्यूकोसा की। म्यूकोसा पार्ट के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, वही गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जिसके पास में अलग अलग सेल्स होती हैं, और ये एससीएल्स का, पेप्सिनोजन का, प्रोरेनिन का, इनका सबका सीक्रेशन से करती है। कौन, म्यूकोसा पार्ट के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है। अब देखिए यहां पर अपन ने जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है किसके बारे में, लिखा हुआ है मस्कुलरिस के बारे में। ठीक है। अब देखिए मस्कुलरिस की अगर अपन बात करें तो मस्कुलरिस के अपने पास में कौन सी लेयर है, इसके पास में थ्री लेयर है। कौन कौन सी लेयर है, थ्री लेयर है मस्कुलरिस की। सबसे पहले बात करें अपन कौन सी है, पहली लेयर, पहली जो मसल्स है, देखिए फॉर मस्कुलरिस इट मींस मसल्स, मस्कुलरिस की अगर अपन बात करें तो इसका मतलब क्या हो गया, मसल्स। तो ये हो गए आपकी लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, कौन सी हो गई, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हो गई। सेकेंड अगर अपन बात करें तो सेकेंड जो मसल्स होगी आपकी वो होंगी सर्कुलर, कौन सी होंगी, सर्कुलर। तीसरी एक और मसल्स पाई जाती है, दैट इज ऑब्लिक मसल्स, कौन सी है, ऑब्लिक मसल्स। ठीक है। अब देखिए लॉन्गिट्यूडनल का मतलब हो गया कि लंबी, ठीक है, इस तरीके से ये प्रेजेंट रहेंगी।
सर्कुलर की अगर अपन बात करें तो सेकंड नंबर पे जो आएंगी वो इस तरीके से आएंगी इसके अंदर, और थर्ड जो ऑब्लिक है, ऑब्लिक मतलब तिरछी टाइप की जो मसल्स होंगी वो इस तरह से इसके अंदर क्या होंगी, प्रेजेंट होंगी। तो ये लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर और ये कौन सी हो गई आपकी ऑब्लिक, ये तीनों क्या होंगी मस्कुलर इस पार्ट के अंदर प्रेजेंट होंगी। म्यूकोसा के अंदर अपन बात करें इसकी गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में, उसके डायग्राम के बारे में देखेंगे वहां से कि इसके अंदर कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है जो कि गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन करती हैं। तो ये बात समझ में आ गई आपको, मस्कुलर्स के अंदर तीन पार्ट होते हैं, तो इसका मतलब यहां से अगर आप काउंट करोगे तो म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर, ऑब्लिक एंड सीरोसा, क्लियर। तो अब अपन बात करें किसके बारे में, म्यूकोसा लेयर के बारे में जिसके पास में गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, क्लियर। देखिए नेक्स्ट अपने पास जो है वो है अपने पास में लेयर्स हैं इसकी, स्टमक की लेयर। स्टमक की लेयर अपन ने जैसे अभी बात की थी कि म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है, तो सबसे आउटर साइड अपन ने बताया था आपकी सीरोसा प्रेजेंट होती है, सबसे इनर साइड प्रेजेंट होती है म्यूकोसा। तो उसका डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है अपने पास में, जो अपने पास में क्या है आपकी लेयर्स है स्टमक की, उसका डायग्राम देखेंगे आप तो सबसे बाहर की तरफ ये आपको जो दिखाई दे रही है डेट इज सीरोसा। तो सीरोसा क्या हो जाएगी आपकी सबसे बाहर वाली लेयर हो जाएगी, जिसको सर्जरी करते वक्त अगर अपने को कोई ऑपरेशन करना है तो उसके टाइम पे सबसे पहले कट होने वाली जो लेयर है दैट इज सीरोसा। अब देखिए फिर अपन ने बताया था आपको मस्कुलरिस, मस्कुलरिस का मतलब हो गया लॉन्गिट्यूडनल मसल, सर्कुलर मसल्स, और सर्कुलर के अंदर ही यहाँ पर ये जो अंदर है दैट इज ऑब्लिक मसल्स। कौन सी मसल्स हो जाएंगी ये आपकी हो जाएंगी ऑब्लिक मसल्स जो कि तिरछी होती है, ठीक है। अब देखिए सीरोसा, सीरोसा नीचे लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल नीचे सर्कुलर, सर्कुलर नीचे ऑब्लिक आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर अपन बात करें तो यहाँ पर एक ये आपकी रह गई है, ये एक लेयर जो इसके साथ में बनी हुई है इसको अपन बोलते हैं प्लेक्सस। प्लेक्सस का मतलब हो गया, प्लेक्सस का मतलब होता है जाला, मतलब जाल जैसे बना लेते वो, कि यहाँ पर आकर के थोड़े थोड़े से क्या है जाला बना लेती है। अपन ने छोटे डॉट से स्ट्रक्चर को यहाँ पे शो किया है, इट मीन्स क्या होता है कि यहाँ पे आते हुए जाल नेटवर्क होता है उस तरीके से जाला क्या करती है बना लेती है, जिसको अपन बोलते हैं प्लेक्सस या मायेंट्रिक ऑर्बिक। इसका क्या बोलते हैं मायेंट्रिक ऑर्बिक इसका नाम है, इसको अपन बोलते हैं प्लेक्सस भी इसको बोलते हैं। प्लेक्सस तो जाला हो गया, एक्चुअली इसका जो नेम है दैट इज मायेंट्रिक ऑर्बिक, क्लियर। इसके बारे में डिटेल और भी है आगे, वो आगे पढ़ेंगे अपन। आगे देखिए कि अब ये बताया बताया कि आपको कहां पे कैसे प्रेजेंट होती है, स्ट्रक्चर क्या होती है। लॉन्गिट्यूडनल सीरोसा ऑब्लिक हो गई है, उसके जस्ट अगर अपन अंदर की ओर आएंगे दैट इज सब म्यूकोसा। कौन सी प्रेजेंट होगी आपकी सब म्यूकोसा, ये वाली जो लेयर है सब म्यूकोसा है, और ये इसके अंदर सबसे अंदर वाली जो लेयर है ये कौन सी आपकी म्यूकोसा, कौन सी लेयर है म्यूकोसा, जिसकी सहायता से इसके अंदर और भी बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं, जिसकी अपन क्या करेंगे उसके जो आपका म्यूकस लेयर के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है उनके स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ेंगे अपन। पैराइटल सेल, चीफ सेल, जाइगोमन, ये सभी सेल्स जो उसके अंदर प्रेजेंट होती है ये सभी सेल्स के बारे में क्या डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन कौन सी लेयर के अंदर होंगी वो लेकिन इस वाली लेयर के अंदर, ये जो अंदर वाली लेयर है इसके अंदर आपकी क्या प्रेजेंट है, इसी के अंदर आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट है। क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट है, जो लगभग छह अपने पास में इसके अंदर छह प्रकार की लगभग क्या होंगी अपनी सेल्स होंगी, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। आप देखिए अंदर वाली लेयर के अंदर अगर अपन बात करें तो ये जो प्लेक्सस है ये है सब म्यूकस का प्लेक्सस, जिसको अपन बोलते हैं सब म्यूकस माइजनस। क्या बोलते हैं, सब म्यूकस मिसनस या माइजनस इसको अपन बोलते हैं। तो ये आपकी स्ट्रक्चर हो गई, किसकी स्ट्रक्चर हो गई इसके बारे में, सबसे अंदर वाला जो खाली पार्ट है दैट इज गट, ये क्या कहलाएगा आपका गट कहलाएगा। गट का मतलब हो गया कि खाली वाला जो पार्ट होता है उसका वो क्या कहलाता है, उसका कैविटी जो खाली पार्ट है वो कहलाता है गट। तो ये सारी आपकी स्ट्रक्चर हो गई स्टमक की लेयर के बारे में। अब अपन जो आगे जो बात करेंगे वो बात करेंगे किसके बारे में, हम बात करेंगे ग्लैंड्स के बारे में, ग्लैंड्स के डायग्राम के बारे में अपन देखेंगे कि वो उसके कौन कौन सी सेल्स उसके अंदर प्रेजेंट होती है, कौन सी सेल किस चीज का सीक्रेशन करती है, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, क्लियर। सो वो जो अपन बात करेंगे अगले लेक्चर के अंदर करेंगे। तो बाय बाय, हैव अ गुड डे।